नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है गुरुवार को अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपकी हर समस्या का अंत हो जाएगा। गुरुवार का दिन ज्ञान और संतान का कारक ग्रह बृहस्पति का होता है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि बृहस्पति के दिन कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में स्थित बृहस्पति ग्रह की स्थिति कमज़ोर होती है। कुंडली में कमज़ोर गुरु के कारण जातकों को संतान, ज्ञान, धन आदि से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में दान, संतान, ज्ञान एवं सेहत से जुड़े लाभ मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और किन किन कामों को आपको करना चाहिए। आज हम बात करेंगे गुरुवार को अगर हम ये कुछ काम कर लेते हैं तो हमें बहुत ही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं भी करते या फिर काम ज़्यादा करते हैं तो आप गुरुवार के दिन इन उपायों को करके जो कि गुरु ग्रह से जुड़े हुए हैं, इन्हें आप हर गुरुवार को कर लेते हैं तो गुरु ग्रह संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक होता है। इसका मतलब ये है कि गुरु ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। आज हम आपको बताते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप गुरुवार को करें तो आपको अपने जीवन और घर में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। धन संबंधी मामलों में गुरुवार का दिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। गुरुवार के दिन आप घर से कबाड़ ना निकालें, मकड़ी के जाले ना साफ करें, घर में पोछा ना लगाएं, महिलाएं अपने बाल ना धोएं, कपड़े ना धोएं, नाखून ना काटें, दाढ़ी ना बनवाएं और पैसों का लेन देन भी ना करें। आप बात करते हैं कि गुरुवार को कौन से काम हमें अपने जीवन में शामिल करने चाहिए। गुरु ग्रह खराब है तो उसके लक्षण क्या है, पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। जिसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है उसके पास तो चाहे पैसे कम भी हो वो फिर भी खुश होते हैं। यदि वैवाहिक जीवन दुखमय होता है तो चाहे पैसे कितने भी हों, कमी पैसे की बिल्कुल भी ना हो तो वो फिर भी दुखी होते हैं। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप इन अपाओं को अवश्य करें। तो आप गुरुवार के दिन हल्दी युक्त जल से स्नान करें। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, शादी में रुकावट आ रही है तो उन्हें हल्दी युक्त जल से बाल धोने चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होगा, विवाह में आ रही अड़चने दूर होगी और विवाह के योग जल्दी बनेंगे। ऐसा सिर्फ वही करें जिनके विवाह में देरी हो रही है, बाकी लोग गुरुवार को बाल ना धोएं। दूसरा काम, अगर आप गुरुवार का व्रत करें या ना करें, इस दिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। केले के पेड़ को हल्दी युक्त जल अर्पित करें, गुड़ चने का भोग लगाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन गाय को अगर आप अपनी हथेली पर रखकर रोटी और गुड़ खिलाती हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियां आ जाती है। गुरुवार को अगर आपके आसपास विष्णु मंदिर है तो मंदिर जाएं। अगर आपके घर के आसपास विष्णु मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही चने की दाल, गुड़ में तुलसी पत्थर डालकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। गुरुवार के दिन आप अपने घर में ये तीन सब्जियां अवश्य बनाएं, बेसन की कड़ी, मूंग दाल और चने की दाल। अगर आप इनमें से कोई भी एक दाल अपने घर में बनाते हैं गुरुवार को तो आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होगा और आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएंगे। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। ऐसा आप अपने जीवन में, अपने घर परिवार में अपनाना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।